हाय वीवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का पर। आज हम बनाने वाले हैं सूरत का फेमस कोल्ड कोको। अगर आप सूरत से हैं तो आपको पता ही होगा कि A1 बिस्मिल्ला 51 लेम्बो और गोकुलम का कोल्ड कोको कैसा बनता है। अगर आप ऐसा ही कोल्ड कोको अपने घर पर बनाना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सूती कोल्ड कोको बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 4 टेबलस्पून कोको पाउडर, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 कटोरी चीनी और 100 ग्राम डार्क चॉकलेट। हमने जो 1 लीटर दूध लिया है उसमें से 1 कप दूध हमने अलग निकाल लिया है। इसमें अब हम कोको पाउडर और कॉर्नफ्लोर डालकर उसकी स्लरी तैयार करेंगे। यहाँ पर हमारी स्लरी तैयार हो चुकी है। आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रह जाए। यहाँ पर हमने दूध को गर्म करने रख दिया है। इसी के साथ हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और चीनी ऐड कर देंगे और इसमें उबाल आने तक इसको हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे। दूध में उबाल आने लगा है, अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और हमारी तैयार की हुई स्लरी इसमें ऐड करेंगे और दूध को लगातार हिलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़ जाए। इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुकी है, अब हम इसमें डार्क चॉकलेट ऐड करेंगे और इसको तब तक हिलाते रहेंगे जब तक डार्क चॉकलेट अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। हमारी डार्क चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा कोको कितना चॉकलेटी बनकर तैयार हुआ है। अब इसे 1/2 घंटा रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। 4 से 5 घंटे के बाद हमने कोको को फ्रिज में से निकाल लिया है। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो लीजिए, बनकर बिल्कुल तैयार है सूरत का स्पेशल कोल्ड कोको। यहाँ पर हमने इन्हें 3 तरीके से सर्व किया है, मलाई के साथ, चॉकलेट चिप्स के साथ और काजू के साथ। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इन्हें इनके बिना भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।